अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे कोफ्ते और अंडे। सो कोफ्ते की बड़ी अच्छी रेसिपी है, यू विल लव इट, और ये कभी टूटते भी नहीं है, सख्त भी नहीं होते। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। सो हमने डालना ये है कि सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक को पीस लेना है, इसी तरह हमने धनिया जो है उसको बारीक काट लेना है, फिर ग्रीन प्याज इसको भी बारीक काट लेना है, और ये आप देख सकते हैं ये मिर्चे हैं, इसको भी आपने बारीक चॉप करना है। ये बेसन नहीं है, ये चने हैं, भुने हुए जो चने आते हैं उसको आपने छील लेने हैं, या अगर आपको छीले हुए मिल जाते हैं तो आपने उसको पीस लेना है। ये तकरीबन आप 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं इसमें। एंड ये प्याज है, प्याज को हमने बारीक काट कर पीस लिया है और इसका पानी निचोड़ लिया है, क्योंकि जो प्याज का पानी होता है वो अक्सर कोफ्तों को तोड़ने में करता है, हेल्प करता है। सो अक्सर ये होता है कि लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, सो उसका रीज़न ये होता है कि प्याज में पानी होता है। सो आपने इसको निचोड़ना है, चॉप करना है, पीसना है, निचोड़ना है। सो ये कीमा है, कीमे को हमने 300 ग्राम कीमा लेना है और इसको हमने पीस लेना है, और ये देख सकते हैं इसमें कोई भी पानी नहीं है, सो देयर इज़ नो चांस के हमारी कोफ्ते टूट जाएँ। सो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, कोई मसाला हम यूज़ नहीं कर रहे, आपने गरम मसाला ले लेना है, ज़ीरा थोड़ा सा हम डालेंगे, मिर्चें, नमक, हल्दी, और इनको हम डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द असेंबलिंग फर्स्ट। सो कीमा पहले आपने बोल में डाल लेना है, उसके साथ एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट्स आपने डाल लेनी है। सो ये धनिया डाल दिया हमने, इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया, प्याज डाल दिया, ये सब चीज़ें हमने एक एक करके इसमें डाल देनी है। सुनाओ, अब मसाले की बारी है, हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है, मैं यहाँ पर 1 भर के टीस्पून डाल रही हूँ। इसके साथ हम 1 टीस्पून डालेंगे मिर्च लेवल, सो आप देख सकते हैं। नाउ इसमें आपने डालना है धड़ा मिर्च, वो भी आप एक लेवल डाल दें 1 टीस्पून। सारी अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी कीमत इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम 1-1 टीस्पून हर चीज़ मसाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ डालेंगे। ये गरम मसाला है, इसको मैं डाल दिया, एंड दिस इज़ हल्दी। हल्दी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सो इट्स लेवल्ड 1/2 टीस्पून। सो आपने रिंग्स उतार देनी है, और अपने हाथ के इस्तेमाल करके आपने इससे बनाना है कोफ्तों का बैटर, मिक्स करना है, क्योंकि जितना अच्छा हाथ से मिक्स होता है वो किसी चीज़ से मिक्स नहीं होता, चाहे आप स्पैचुला यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें। तो हर चीज़ इतनी पिसी हुई है सही कि इसको हमें मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी हमने सेपरेटली सब चीज़ों को काट भी लिया और पीस भी लिया। सो मसाले आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं। हमने क्योंकि इसलिए इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले, क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते। मसाले सारे मिक्स कर दिए, आप देख सकते हैं इट्स कम्प्लीटली मिक्स्ड। एंड अब मैं इसमें बॉल्स बनाऊंगी कोफ्ते की। सो द प्रो टिप इज़ कि आपने पानी यूज़ करना है, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ ये पानी है, क्योंकि जब अक्सर लोग ऑयल यूज़ करते हैं और उनके कोफ्ते जो होते हैं वो अच्छे नहीं बनते। सो द प्रो टिप इज़ कि यूज़ वाटर टू मेक कोफ्ता बॉल्स। सो नाउ यू कैन सी कि बॉल्स बन गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। सो आपने एक मीडियम साइज़ बॉल्स बनानी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी कि वो सही अंदर से टेंडर ना हो, और बहुत छोटी भी नहीं बनानी क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। सो इट्स स्टैंडर्ड साइज़ फॉर कोफ्ता। सो नाउ वी विल मेक द करी एंड आई विल टेल यू द रेसिपी कि हम वो कैसे बनाते हैं। सो नाउ हम करी बनाएंगे, जिसमें हम कोफ्ते को पकाएंगे, एंड इसमें हमने सबसे पहले 1/2 कप ऑयल डालना है, विद लेस देन 1/2 कप अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी कीमे की, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो, या कम ले रहे हैं। अब प्याज आप देख सकते हैं इसको हमने बिल्कुल चॉप कर दिया है, ताकि इसका शोरबा अच्छा बने, क्योंकि हम शोरबे वाले कोफ्ते बना रहे हैं। सो एक आपने दरमियानी प्याज ले लेनी है, उसको आपने फ्राई करने के लिए रख देना है।
तो अभी इस स्टेज पर जब प्याज फ्राई हो रहा है तो हमने एक भर के चम्मच एक टीस्पून नमक डाल देना है। सो नमक डाल दिया हमने, नमक हमने इसलिए डाला है ताकि प्याज जल्दी फ्राई भी हो जाए और नरम भी हो जाए, सो इट्स अ प्रो टिप। इसके बाद हमें लहसुन और अदरक डालना है और इसको हमने फ्राई करना है अनटिल इट टर्न्स इट्स कलर। अब जब इस स्टेज पर जो कलर इसका चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो आप इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर भी हमने बिल्कुल इसको सॉफ्ट किया है सो दैट इट कैन ईजीली बी टेंडर एंड सॉफ्ट, इसको हम भून लेंगे। सो नाउ यू कैन सी इसका मसाला बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और भुन चुका है, तो अब इसमें हम मिर्ची डालेंगे और वो भी एक टीस्पून हमने डालनी है लेवल्ड। यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपका जिस तरह का भी टेस्ट है, बट मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून। सॉल्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसके साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी। बेसिक मसाले हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें हम हल्दी डालेंगे आधी टीस्पून एंड थोड़ी देर इसमें हम हल्का सा पानी डाल के भूनेंगे। सो मसाला भूनने के बाद आपने इसको पीस लेना है, क्योंकि हम शोरबा बना रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप इसको पीस लें ताकि इसमें कोई टमाटर या प्याज नज़र ना आए। सो वी विल मैश इट। सो इस स्टेज पे जो मसाला बिल्कुल भून गया तो हम इसमें पानी डाल देंगे और हम वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए, फिर इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे। तो शोरबा अब बिल्कुल बॉयल हो रहा है, नाउ इट्स टाइम टू ऐड कोफ्ते। बोले यस बोले। मसाले की वजह से सही कुकिंग स्टार्ट हो गई। नाउ मम्मी इज हियर टू हेल्प तो हमारी कोफ्ते इसमें चलेगी। हम हल्का सा चमचा चलाएंगे और इसको तेज चूरा करके इसको पकने देंगे। तो शोरबे से ये होगा कि ये बॉयल इसमें आ जाएगा एंड कोफ्ते टूटेंगे नहीं। उसके बाद हम इसको भून भी सकते हैं, आप शोरबा भी छोड़ सकते हैं। कवर कर दिया है और हमने इसको छोड़ दिया है, साथ हमने अंडे जो हैं वो बॉयल करने रख दिए। जैसे ये करी तैयार होती है इसमें हम अंडे डाल देंगे। तो कोफ्ते बनाते हुए आपने कोफ्ते को चमचे से नहीं हिलाना इस स्टेज पर, इस पर आपने सिर्फ हल्का हल्का इसको हिलाना है ताकि ये कि मिक्स भी हो जाए और ये टूटे भी ना। घोटे नहीं देने जी, यस घोटे नहीं देने। अक्सर लोग जो है वो बिल्कुल उसको पीस लेते हैं और वो चमचे हिलाते हैं तो वो टूट जाते हैं एंड देन दे से कि हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बने थे, पानी था या कुछ था, बट ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट ट्रिक कि आपने कैसे बनाना है। इस स्टेज पर हम आलू डाल देंगे, सो इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। हमारी फैमिली में आलू बहुत सबको पसंद है सो हम बहुत शौक से खाते हैं। सो वी आर एडिंग आलू, पर हम सारे आलू नहीं बने हुए, हम स्मार्ट हैं। यस इट्स ऑल अबाउट हमारी रूटीन, सो वी आर वेरी एक्टिव, खाते हैं और फिर हम सही भाग के छोड़ते हैं। सो आलू हमने डाल दिए हैं स्टेज पर। अगर आपको पसंद है आलू यू कैन ऐड आलू इस स्टेज पर, वरना आप इसी तरह कोफ्तों को गलने के लिए रहने दें। सो नाउ कोफ्ते आर रेडी एंड आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा शोरबा भी बन गया है एंड मम्मी इज़ ट्राइंग टू ऐड अंडे, सो अब हम इसमें अंडे डालेंगे एंड यस। तो बस अब हमारी इसमें गार्निशिंग रह गई है और यस वी विल जस्ट मिक्स इट फॉर अ वाइल एंड यू कैन सी कि बहुत पतला भी शोरबा नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है। इट टेस्ट रियली गुड व्हेन यू मेक इट लाइक दिस। और 3 या 4 मिनट पकाने हैं और देन गार्निशिंग कर देनी है पनीर। यस ऑलमोस्ट डन। तो गार्निशिंग के लिए हमने धनिया को और काट लिया है और जो हमारी जिंजर है वो भी हमने जूलियन कर लिया है। तो इस जस्ट हमने उसको ऐड करना है और इट्स डन एंड समवन इज़ इन द किचन एंड ही इज़ जजिंग कि हमने कैसा खाना बनाया है। सो
He's my favorite cousin. His name is Azan. Hello, Azan. Hi. So it's almost ready and बस अब हम इसमें चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसमें हम थोड़ी सी जिंजर डाल देंगे इस स्टेज पर और ये यहाँ पर ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो हमने क्रश किया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे. इट टेस्ट सो गुड जब हम लास्ट में इसको डालते हैं. एंड थोड़ी सी हम ग्रीन चिलीज एंड धनिया हम ऐड कर देंगे. बाकी जो है आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हाउ इज़ द फाइनल लुक. सी द फाइनल लुक, इट्स डन एंड इट्स रेडी टू ईट. वाओ, खास के सुकून करें. एग्जैक्टली एंड आज बारिश भी हो रही है सो आज मौसम भी सही शोरबे वाला है सो इट विल बी अ गुड डिनर टाइम. So now the dish is ready and we have to say goodbye to you. I hope you guys liked our video. Yes, so give a nice thumbs up and kindly subscribe our channel and see you soon. Bye.